नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट मैपसेट कंपनी भोपाल द्वारा मैपसेट के तहत फर्जी छात्रावास और प्रशिक्षण केंद्र दिखाकर उसी जगह होटल मैनेजमेंट और सीड इन्फोटेक लिमिटेड द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना का संचालन दिखाकर आदिवासी छात्र छात्राओं के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता छात्र छात्राओं ने बताया कि हम सभी छात्रों को गुमराह करके कौशल विकास केंद्र संचालक रोहित बिसेन पिता श्रीकांति बिसेन निवासी महदुली तहसील कटंगी जिला बालाघाट द्वारा प्रशिक्षण के नाम से फर्जी तरीके से गुमराह कर हम सभी छात्रों से सभी आवश्यक दस्तावेज लिए गए, लेकिन संचालक द्वारा आज तक छात्रावास सुविधा और कौशल प्रशिक्षण और नाथ छात्रवृत्ति सुविधा नहीं दी गई है। छात्रों ने बताया कि बंद सेंटर में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का बोर्ड लगा हुआ है। छात्रों ने बताया कि बगैर छात्रों के अनुपस्थिति में प्रशिक्षण कर नगर पालिका का प्रोग्राम हो चुका था, जिसमें न हम छात्रों ने और नगर पालिका के छात्रों ने प्रशिक्षण नहीं लिया। छात्रों ने बताया कि प्रशिक्षण के नाम से एक दिन की उपस्थिति दिखाकर फर्जीवाड़ा किया गया है। शिकायतकर्ता छात्रों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि सेंटर की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी और डुप्लीकेट थंब की जांच की जाए और रोहित बिसेन द्वारा फर्जी तरीके से दुरुपयोग कर कटंगी बालाघाट सेंटर की जांच कर संबंधित कंपनी और प्रतिनिधि पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। आपका नाम? किरण अड़मे। ये जो सेडमैप भोपाल के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था जो सिलाई और कंप्यूटर वाला, तो उसमें जो आपने फॉर्म डाले थे बालाघाट जाके, तो उसमें जो संचालक थे आपके सेडमैप के बालाघाट के, तो इनके द्वारा आपको कितने बार सेंटर में बुलाया गया? एक ही बार बुलाया गया था। एक बार काहे के लिए बुलाया गया था? बस फॉर्म भरने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए बुलाया गया था। उसके बाद कभी प्रशिक्षण केंद्र में नहीं बुलाया गया? नो सर। और आपको कोई सुविधा मिली क्या उसकी? नहीं सर, कोई सुविधा नहीं मिली। किसी प्रकार की फीस वगैरह नहीं मिली? छात्रावास की सुविधा मिली आपको? नहीं सर। छात्रावास की भी सुविधा नहीं मिली? नहीं सर। आप सिर्फ एक ही बार गए हैं सेंटर में? जी सर। अब अगर एग्जाम होती है तो एग्जाम दे पाएंगे क्या आप? सर जब कुछ पढ़े ही नहीं तो क्या एग्जाम देंगे, कुछ नहीं लिख पाएंगे हम लोग। अच्छा, कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? आपको यानी जो सुविधा मिलनी थी वो मिलना चाहिए। जी सर। है ना।